शातिर चोर गिरोह के सदस्यों ने शादी समारोह से किया लाखों का माल पार। पर्वतपुरा बाईपास पर बिरला वाटर पार्क में शादी समारोह में शातिर चोर गिरोह के सदस्य किशोर ने 40,000 रुपए कैश व ज्वेलरी से भरा बैग पार कर दिया। घटना 1 दिसंबर की है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पीड़ितों ने मंगलवार को मामला आदर्श नगर थाने में दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की है। मदार निवासी वीरेंद्र जैन ने शिकायत दी है कि 1 दिसंबर को उसके पुत्र का विवाह समारोह बिरला वाटर पार्क में था। वधू पक्ष के लोग भी समारोह में थे। मेहमानों की भीड़ में शातिर चोर गिरोह के लोगों ने घुसपैठ की और वधू पक्ष के सदस्य का बैग शातिराना तरीके से पार कर दिया। बैग में कैश और गहने थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया था। आदर्श नगर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया था और सीसीटीवी फुटेज भी में संदिग्ध को चिन्हित भी किया था। मंगलवार को पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज किए। फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है कि 18 से 20 साल की आयु का लड़का लाल कलर का बैग लेकर बाहर निकल रहा है। यही लड़का मंडप में वर वधू के पीछे भी नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने पहले समारोह स्थल पर यह रेकी की थी कि वर वधू पक्ष के किन लोगों के पास लेने देने की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को शातिर ने चिन्हित कर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और मौका देखकर वधू पक्ष के सदस्य का बैग लेकर चंपत हो गए। आदर्श नगर थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। जो है और किसने कराया? दिनांक 1/12/2020 को मुस्तगी श्री वीरेंद्र कुमार जैन हरिवा उपाध्याय नगर का रहने वाला है। उसकी बच्चे की शादी बिरला वाटर पार्क NH-8 आदर्श नगर अजमेर में स्थित में संपन्न थी। उसी दरमियान उसने अपने शादी के अंदर बच्चे के लिए कुछ जेवरात, कुछ घड़ियाँ, कोई आइटम वगैरह दिए गए थे, जिसके अंदर एक अंगूठी है, चैन है, 2 घड़ियाँ हैं, 40,000 कैश एक बैग में रखे थे। उसी दरमियान कुछ लोग भी थे, कुछ कैटरिंग के भी थे, जो वहाँ से वो बैग गायब हो चुका है। बैग गायब होने के ऊपर कल दिनांक 15/12/2020 को मुस्तगी श्री वीरेंद्र कुमार जैन ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पे प्रकरण संख्या दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। जांच अधिकारी श्री छोटलाल हेड कांस्टेबल प्रभारी अधिकारी हैं, उसके द्वारा प्रकरण आगे में अनुसंधान किया जा रहा है। सीसीटीवी चेक किए गए? हाँ, सीसीटीवी हेड कांस्टेबल के द्वारा चेक किए गए हैं और फुटेज के आधार पर ही आरोपी गणों की तलाश जारी है। कोई बताए कितने कोई था वहाँ पर संदिग्ध? ऐसे कोई नहीं, संदिग्ध तो फुटेज आते हैं, फुटेज के आधार पर हम ट्रेस कर रहे हैं। मुख्य रूप से तलाश की जा रही है। ठीक है, जाँच जारी है। हाँ, जाँच जारी है। प्रकरण दर्ज किया नाम बताओ? विजय कुमार, ASI, धारा 387 IPC।